कल्चरेशन जो हमने मतलब अपने उसमें किया ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी में किस तरह से किया ठीक है, शायद बाद में आपको टाइम मिल जाए ये सब कुछ करने के लिए। तो हमने जो यूनिवर्सिटी यहाँ तो हमने दिखाया है ना कि किस तरह से एक बनते हैं, लेकिन जो हमने किया वो ठीक है, स्पॉन हमें पहले से मिल चुका था ठीक है, स्पॉन के लिए ये सारी चीज़ें यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, हमें पता होगा पैथोलॉजी लैब में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दिस इज लेमिना एयरफोर्ट एंड व्हाट इज दिस नीचे, कौन से दो इंस्ट्रूमेंट है, कौन से वन से पता नहीं, हमने यूज किया मतलब स्पॉन बनाने ठीक है, जब स्पॉन बन जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस, जो हमने क्या करा माइसेलियम में स्पॉन बन जाएगा क्या है, हाँ उसके जो है व्हाइट रन है हम क्या करेंगे सीड में मिक्स कर देंगे तो इस तरह से बनेंगे ठीक है। अब फंगस है तो ग्रो कर जाएगा उसका अच्छा वाला कंडीशन मिल जाएगा, तो हमने क्या किया उसको ग्रो करने के लिए कंपोस्ट बनाया ठीक है, कंपोस्ट किस चीज़ से बनाते हैं कि स्ट्रॉस बने ठीक है, उसको बॉइल करेंगे क्रिस्टलाइज करेंगे, क्रिस्टलाइज करने के बाद इन दोनों की सैंडविच वाला क्या बनाएंगे, सैंडविच इन अ सेंस ये पहले डालेंगे उसके बाद इसको डालेंगे फिर इसको डालेंगे फिर इसको डालेंगे जब तक बैग इतना तक ना हो जाए ठीक है, तो जब इतना तक हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे उसको इंक्यूबेशन रूम में डाल देंगे ठीक है। इंक्यूबेशन रूम में यहाँ पे अंदर है किसी ज्यादा जानने के लिए अपने साथियों से हमें सेकेंडली हमारा प्रोसेस है कि जो हमारा कोकोनट फ्रूट है हम इसको 24 आवर्स के लिए बैठे जाएगा ताकि वाटर होल्ड कर सके अच्छे से बैठे जाए, उसके बाद हम इन सभी को मिक्स करेंगे, मिक्स ये जो हमारा कोकोनट फ्रूट है इसको मिक्स, उसके बाद ये होती है हर एक प्लांट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, स्पिनिच के लिए छोटी होती है रेडिश वगैरह के लिए बड़ी होती है, सेकेंड स्टेप में हम ऐसे फिंगर से इसको डिप्रेशन डालेंगे, उसमें सीड डाल देंगे, सीड डालने के बाद हम इसको यहाँ पे पोलियो में डालने के बाद डालेंगे और फिर कवरिंग कर देंगे, इसमें कवर करेंगे। सेकेंडली हमारा है फर्टिगेशन, इसमें हमने 1999 मिक्स किया हुआ है, हम इसकी सेपरेट मतलब ताकि ये जब हमें लगेगा सीडलिंग्स हो गए ना ये हम कवर खोल लेंगे, उसके बाद हम स्प्रे करेंगे, उसके बाद हम इसको दूसरे 3 डेज के लिए काटने के लिए बात करते हैं ताकि ये इस इन्वायरमेंट के बाहर के इन्वायरमेंट के बहुत ही खूबसूरत नहीं हो सकते, जब उसके बाद ये चल पड़े गए मतलब वो कदम से मतलब मुझे उसके बाद हम इसको ऐसे काम कर, इसका फायदा ये कि फ्रीज होती है निकलेगा पाँच मिनट से फायदा होगा। और ये अटल पेंशन मतलब तो इसमें जो है कि शॉर्ट टर्म लोन देते हैं ना जैसे सीड के लिए फर्टिलाइजर वगैरह के लिए, और इस पर 7% का इंटरेस्ट लगता है, अगर हम इसको टाइम से वापस करेंगे ना तो इस पर 4% का इंटरेस्ट लगेगा। और इसके अलावा फसल बीमा योजना में है, चूँकि हमारा मेन एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे अभी केरला में फ्लड आया था तो बहुत सारा मतलब फार्मिंग खराब हो गई होगी, तो इसके मतलब जो फार्मर का नुकसान होता है ना फसल का उसके लिए लोन दिया जाता है इसमें ना। और इसमें जो है इसमें इंश्योरेंस होता है मतलब जो 18 से 50 की एज के बीच में ना जो उसका नॉमिनी होता है ना उसको 2 लाख रुपये मिलता है पर बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और इसमें
और हम उसको स्टोर करेंगे, फिर ये नीचे स्टोरेज टैंक है हमारा, इसके बाद हम इसको फिल्टर करेंगे इस फोटो को, और फिर हम इसको क्या करते हैं कि कैटल कैटल के लिए भी दे सकते हैं, और हमारे जो भी घर के और जो काम होते हैं उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आके हमने यहाँ पे ये इरीगेशन दिखाई है कि इसके लिए दे रहे हैं हम, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए दे रहे हैं, और ड्रिप इरीगेशन जो होती है वो सिर्फ वेजिटेबल्स और प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो सीरियल्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ नहीं करते, लार्ज स्केल पे मतलब नहीं किया जाता है ये, और सिर्फ ये पॉली हाउस वगैरह जो होता है उनके अंडर में किया जाता है ये, ठीक है। ये फिर आगे हमने यहाँ पे दिखाया है कि सॉइल को हम कैसे मतलब इरोजन से उसको कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये स्टेबल टाइप क्रॉपिंग की हुई है, मतलब सीढ़ी नुमा खेती इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा कि जो हमारे यहाँ के न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी बारिश वगैरह रेनफॉल जो होता है तो उसके थ्रू क्या होगा कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो नीचे आते जाएंगे, हमारे वो वेस्ट नहीं होंगे, वाटर के थ्रू रन ऑफ नहीं होगा, ठीक है, तो वो मतलब वेस्टेज नहीं होगी उसकी, वो कंजर्व होंगे। फिर हमने यहाँ डेफिनेट ग्रेजिंग का दिखाया है, जो हमारी कैटल होगी, ठीक है, उसको हम पहले 50% ऑफ लैंड पे ग्रीन पे ग्रेज करवाएंगे, और जो ये खाली लैंड है इसमें नहीं करवाएंगे, फिर उसके बाद इसको हम शिफ्टिंग करवाते रहेंगे, उससे जो है सॉइल मॉइस्चर जो भी होता है वो कंजर्व रहेगा हमारा। फिर यहाँ पे हमने कंपोस्ट का यूज़ किया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट का, और केमिकल्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ हमने एक्सक्लूड करके रखा है इसमें, और एफॉरेस्टेशन यहाँ पे दिखाई है, और फिर ये तो उसने बताई थी आपको सॉइल इरोजन का दिखाया है, इसमें पानी डालेंगे तो सिस्टर सॉइल जो है वो सारी आ जाएगी, और ये बायोमास हमारे पास इसके थ्रू जो है वो कम सॉइल आएगी, और वेजिटेशन में कोई मतलब फूड नहीं आएगा, तो उसके थ्रू जो है सॉइल इरोजन।